तो जानना नहीं चाहेगा इतना बड़ा राज मैंने क्यों छुपाया तुझसे। सत्तू कुछ तो बोल। आपने खाना नहीं खाया अब तक? क्यों नहीं बताया? क्यों इतने वर्षों तक हमसे ये बात छुपाए रखी? भरोसा नहीं था ना हम पे, विश्वास नहीं था। एक बार कह के तो देखती माँ, इतनी बड़ी बात आज हमको बाहर से सुनने को मिल रही है। आखिर क्या लगा आपको कि हम आप यकीन नहीं करेंगे? आपने कैसे सोच लिया? अगर आप हमें सच बता देंगी तो आप हमारी मां नहीं रहेंगी। बताना चाहती थी बेटा, बताना चाहती थी और बता भी देती, पर डर था कि सच बताने के बाद कहीं तुझे खो ना दूं। कभी कभी झूठ पकड़े जाने से ज्यादा अपनों को खो जाने का बहुत डर होता है। बस बस इसलिए तुझे नहीं बताया सर। बचपन में जब मेरा हाथ तेरे हाथ से छूट जाता था तो तू डर जाता था। तेरा हाथ मुझसे छूट जाने का डर लग रहा है। नहीं छोड़ेगा ना मेरा हाथ से तो। नहीं छोड़ेगा ना मेरा हाथ। भगत और माँ की लीला जारी है, तेरे लिए बहुत खतरनाक है शिवपाल। उसके इरादे को डगमगाना आसान नहीं है। अगर तुझे ये सारी जायदाद अपने नाम करनी है तो सत्तू को काबू में करना होगा। पता है माँ, आज हमें बहुत बुरा लगा। हमारी माँ साहब बिल्कुल अकेली पड़ गई है, बिल्कुल अकेली। वो दुखी है हमसे कि हमने क्यों उनसे बात छुपाई। पर आप जानती है ना कि हमने उनकी भलाई के लिए सब कुछ किया है। माँ हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस संकट भरे समय में हम हमारी माँ साहब का साथ दे सके और अपने इस परिवार को टूटने से बचा सके, एकजुट कर सके। सत्तू जी, हमें बहुत देर से आपसे बात करनी थी। हम कहना चाहते हैं कि आपको और समय ना गवाते हुए पापा जी के खिलाफ कदम उठाना होगा। जरा सोचने की कोशिश कीजिए, उतने सालों तक कहाँ थे और एक दिन अचानक से आकर वो ये दावा कर रहे हैं कि वो हमारे हैं, हमारे अपने हैं। जरा सोचिए सत्तू जी, वो तब कहाँ थे जब माँ साहब एक पिता एक माँ दोनों होने का फर्ज निभा रही थी, जिंदगी के उतार चढ़ाव का अकेले सामना कर रही थी। वो उनका सहारा क्यों नहीं बने? क्यों वो इस परिवार की ढाल नहीं बने ताकि वो हमारे परिवार पे आने वाली सारी परेशानियां, सारे दुख उन सबको रोक सके, दूर कर सके। सब कुछ आज माँ साहब को सबसे ज्यादा जरूरत है हम सबके साथ की। और उनका साथ देने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? उनका दामन छोड़ रहे हैं हम?
इल्जाम लगा रही हूँ उन पर। सत्तू जी, आपको मां साहब का साथ देना ही होगा, वरना आने वाले दिनों में पता नहीं पापा जी कौन सी नई मुसीबतें खड़ी कर देंगे। शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी। अरे जी, हमें आपसे नहीं जानना कि क्या सही है और क्या गलत। आपने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। आप सही समय पे कदम उठाने की बात करती हैं। अरे अगर सही समय पे आपने समझदारी दिखाई होती तो आज ये सब कुछ हुआ ही ना हो। अरे पूरी दुनिया से आप बात छुपा के कोई बात हमसे, आपको हम पे भी विश्वास नहीं। हमारा रिश्ता परी जी भरोसे का है, विश्वास का है, और जब विश्वास ही नहीं है तो कैसा रिश्ता, क्या मायने शादी का। परी जी सच तो ये है कि हमारा इस रिश्ते से विश्वास उठ गया। हमने बहुत कोशिश की कि हम दोनों साथ में आए, पर हमारे बीच के फासले और बढ़ गए। जो सत्तू रेखा हम दोनों के दरमियान बनी हुई थी ना, वो जमीन से तो हट गई। हमारी कोशिशों के बाद जमीन से तो हट गई परी जी, लेकिन हमारे दिल में एक लकीर खींच के चली गई है जो नहीं मिट सकती। बेहतर यही होगा कि आप इस बात को मान लें कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। बस परी जी, जो भी कुछ हमारे रिश्ते में बचा हुआ है ना, उसे शब्दों में ढालकर और खराब मत कीजिए। कुछ मत कही, देखिए ना कितने बदनसीब हैं। रिश्तों में हमेशा हमें विश्वासघात मिला, और उससे भी ज्यादा बदकिस्मती की बात यह कि हमारे अपनों ने हमेशा हमारे साथ विश्वासघात किया। हम आपका विश्वास वापस जीत के रहेंगे सत्तू जी। हम मानते हैं हमने आपसे बात छुपाई है, लेकिन मां साहब की भलाई के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके सुख चैन के लिए, लेकिन आज भले ही आप हम पे यकीन ना करें, लेकिन एक दिन हम पे जरूर यकीन करेंगे, और हमें विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे। हम साथ मिलकर पापा जी को गलत साबित कर देंगे और मां साहब को उनके गलत इरादों से बचा लेंगे। आपके और हमारे बीच में हम कभी दूरियां नहीं आने देंगे सत्तू जी, कभी भी नहीं। और आपका हमारे ऊपर विश्वास हम वापस लाकर रहेंगे। अपने अपनी दवा ली ना, मन नहीं है हमारा। एक बात सुनेगी हमारी, दुनिया के लिए भले ही तू रचना, लेकिन हमारे लिए भावना थी और भावना ही रहेगी। इतनी नाराज है हमसे? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अपने आपे पे नहीं हूं। जज्बात में क्यों बह रही है तू भावना? ये वक्त है खुद को संभालने का,
खुद को काबू में रखने का और सही फैसला लेने का। क्या सही फैसला है अम्मा? यही कि सभी बेटों को उनके बाबा साहब मिल गए, मैं क्यों उनके रास्ते का कांटा बनूं? मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं इस घर से, यही कहना चाहती है ना आप? तू अगर बात करने की हालत में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुन ले, तू अच्छी तरह से जानती है कि हम दोनों को शिवपाल पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो लड़कों को तो गुमराह कर ही चुका है और अब क्या क्या साजिश रचेगा ये समझना बहुत मुश्किल है। भावना, तूने एक शेरनी की तरह बच्चों को पाला है, उनकी रक्षा की है, और आज जब बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, वो शिवपाल के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, तो तुझे नहीं लगता कि तुझे उन्हें बचाना चाहिए? जो वार कर रहा है उस पर पलट के वार करना चाहिए। भावना, छल को बल से ही जीता जा सकता है और तुझमें बहुत बल है मेरी बच्ची, तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू उस जैसे शैतान से निपट सके। हाँ तो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा वगैरह तो होती रहेगी, बस आप मेवा खाइए। सेवा के पहले मेवा, ये तो वही दे सकता है जिसका काम गैर कानूनी। आदमी समझदार हो, लेकिन घबराओ नहीं, ये मैं आपसे कोई गैर कानूनी काम करवाने के लिए मेवा नहीं दे रहा, बस एक राज की बात उगलवाने के लिए तुम्हें ये हरे हरे नोट नहीं चढ़ा रहा, समझ रहे हो ना? एक हाथ ले एक हाथ दे, बस ज्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ दूध सागर की वसीयत की डिटेल्स चाहिए, जैसे कि किसके नाम पर है वो जायदाद, उसके वारिस कौन कौन है वगैरह वगैरह। श्रीमान, आप शायद गलत पते पर दस्तक दे रहे हैं। ना तो मैं अपने क्लाइंट्स को धोखा देता हूं और ना ही अपने प्रोफेशन के साथ विश्वासघात करता हूं। मैं सही काम करके पैसे कमाता हूं, गलत काम करता हूं। तो प्लीज, ठीक है फिर, जब आप हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं तो जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। थैंक यू। काम और दाम से जब काम ना बने तो दंड उठाना ही पड़ता है, ये दुनिया का पुराना दस्तूर है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो भैया बात यह है कि हमने लाठी उठा ली, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो सीधा सीधा वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, वरना अगर मैं अपनी औकात पे आ गया ना, सही और गलत का फर्क करने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। हाँ तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, छोटी सी बात है, खामखामे उसका बतंगड़ ना बनाइए। ये सारी जायदाद भावना देवी के नाम पर, उनके ना रहने पर इनके असली हकदार उनके चारों लड़के होंगे। ये घी सीधी उंगली से तो निकलने से रहा, प्रॉपर्टी चाहिए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बहुत जल्दी होगी मेरी सारी उंगलियां घी में और रचना का सर कढ़ाई में। अरे वाह, साक्षात देवी जी खुद आई हैं दर्शन देने के लिए, क्या बात है। मैं हार गई हूँ शिवपाल और तुम जीत गए। मेरी परवरिश हार गई और तुम्हारा खून जीत गया। माफ कर दो, माफ कर दो।
इतना भी नहीं समझ सकी कि जब खून खून को पुकारेगा तब तब मेरी ममता कसौटी पे परखी जाएगी, मुझे अपनों से ही पराया कर देगी। और गिड़गिड़ाओ, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे गिड़गिड़ाने में मेरी आने वाली जी दिखाई दे रही है। तड़प गया था मैं इस दिन के लिए। आखिर कितने दिनों तक तुमने मुझे अलग रखा था। इंतजार इम्तहान में बदल गया था रचना देवी। माफ करना भावना देवी। वो कहते हैं ना, इंतजार का फल वाकई में मीठा होता है। तो अब देख लो। शिवपाल तुम सही हो, मैं गलत। तुम रहो रहो तुम अपने परिवार के साथ, और मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे रास्ते का काटा नहीं बनना चाहती। मुबारक हो शिवपाल। जो तुम्हारा था वो तुम्हें मिल गया। खुशी तो बहुत मिली होगी ये सब सुनकर, लेकिन बेहद अफसोस है शिवपाल कि तुम जैसे छलावा करने वाले इंसान के सामने मैं इतनी आसानी से झुक नहीं सकती। अरे जीवन में मुझे लड़ना सिखाया है, झुकना नहीं। तूने चाल तो बहुत अच्छी चली है, पर याद रखना जब पासा पलटेगा तो पानी मांगने के भी लायक नहीं रहोगे तुम। इसलिए अब सीधे सीधे बताओ और मुद्दे पे आओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। क्यों अपने ही परिवार को बर्बाद करने की ठान ली है? क्यों अपने ही परिवार के खून के रिश्तों को तबाह करना चाहते हो? जिस परिवार को तूने सालों से नहीं देखा है, अच्छा अचानक इतना प्यार कहां से आ गया? हाँ, जो मुझे चाहिए वो तुम दे तो सकती हो, मगर दोगी नहीं जब तक मैं अपनी उंगली टेढ़ी ना कर लूं। इसलिए कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करके। जो मुझे चाहिए वो मैं मांगूंगा नहीं, छीनूंगा। इसलिए तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ो और अपने बारे में सोचो कि तुम अपना भविष्य कैसे बचाओगे। शायद तुम देख नहीं पा रही हो, इस खेल की बाजी मेरे हाथ में है और इसके मोहरे हैं तुम्हारे बेटे। तुम जानती हो, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं अपने मोरों की बलि भी चढ़ा सकता हूं। खबरदार, हिम्मत भी मत करना ऐसा सोचने की। करने की बात तो बहुत दूर है, जलाकर राख कर दूंगी। उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। एक बार तूने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया था, तुमने जीते जी उसे मार दिया था। तुम सोच रहे हो कि तुम दोबारा ऐसा कुछ कर पाओगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है शिवपाल, बहुत बड़ी भूल। अपने बच्चों के भलाई के लिए और तुझे बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी।
ये मत भूलो कि उनकी रगों में मेरा खून है और वो अपना रंग दिखाएगा। अब देखो ना, एक ही चाल में कैसे बाजी पलट गई। जरा सोचो, मैं उन्हें अपने कितने करीब लेके आ सकता हूं। आखिर मैं उनका बाबा साहब जो हूं। तुम भी ये मत भूलना कि उनमें मेरी परवरिश है। हो सकता है कि अभी वो समझ नहीं पाए, क्योंकि अभी अभी उनका विश्वास टूटा है। पर याद रखना शिवपाल, माँ बेटे के रिश्ते में तुमने हाथ डाला है। डाल तो दिया है तुमने, लेकिन इसका परिणाम नहीं सोचा। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो तुमसे प्यार करते हैं। तो फिर देखते हैं रचना देवी, फिर से गलती हो गई, याद नहीं रहता, भूल जाता हूं। भावना देवी, ये जीत किसकी होती है, मेरे खून के रिश्ते की या तुम्हारे परवरिश की?